पीटीआई के सीनियर डॉक्टर जरका को आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान आने पर कैसे मजबूर किया गया, इमरान रियाज खान के तहलका खेज इंकशाफात। सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए इंकशाफ किया कि मेरी आज सुबह जरका साहिबा से तफसीली बात हुई। उन्होंने बताया कि इनके बेटे को अगवा करके इन्हें बैरून मुल्क से वापस आने पर मजबूर किया गया है। इमरान रियाज खान के मुताबिक अगवा करने वालों को सैनेटर जरका ने कहा कि आप मुझे रख लें मगर मेरे बेटे को छोड़ दें। अभी तक सैनेटर जरका साहिबा के बकौल उनका बड़ा बेटा इदारों के कब्जे में है, जबकि उन पर आईनी तरमीम के हक में वोट डालने के लिए दबाव भी है। सेनेटर जरका का मजीद कहना था कि सूरत हाल में पार्टी लीडरशिप ने कोई मदद नहीं की, मगर मैं किसी सूरत तरमीम के लिए इमरान खान से गद्दारी नहीं करूंगी। सेनेटर साहिबा के बकौल वो आज अगवाकारों से फाइनल बात करेंगी, अगर इनका बेटा मिल गया तो ठीक है, सूरत दीगर वो सारी सूरत हाल खोल कर अपने बेटे की बाजियाबी के लिए अदालत भी जाएंगी और इस्तीफा भी दे सकते। इमरान रियाज खान का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ की क्यादत को फौरन डॉक्टर जरका और रियाज पतियाना के साथ खड़े होना चाहिए और आईनी तरमीम की खामोश हिमायत बंद करनी चाहिए।